या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर पांच बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाई। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, और एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना उसको लांगा तक नहीं जाता, यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे वहीं से लौट कर वापस डालेंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी व्यक्ति ऊपर से जल चढ़ाएंगे, वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए, नहीं, उसका दोष है, मारा उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता। तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जैसे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही है, तो वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग विषय, बहुत ध्यान देना महाराज। भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए, फूल का मुख कहां पर होना चाहिए, जान के बोलो जरा, भगवान की। वेलकम टू एक्स्ट्रा विनिंग। प्लेयर में आग हो और शातिर दिमाग हो तो गेम कभी भी पलट सकता है, तो जू विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना, एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो छोटा सा, एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का ये वरदान, जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे धूप लगी होती है, दुर्वा, धूप, दुर्वा, एक दुर्वा, वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है, दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से दो पत्तियां निकली हुई हो, देखिए ना, आप लोगों ने पहले बोलो जिनके बोले, देखा है ना, दुर्वा एक हो और दो पत्ती की हो, एक ही कहलाई, दो पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना, एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर आराधना कर घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर हृदय से प्रार्थना कर बाबा से निवेदन कर दीप, अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना, अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना, दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना, जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर आना, मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर।
एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुकाजी कर रहे हैं माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को वैभव को पीछे छोड़ो। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ, अहम से दूर होकर मेरे होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भरकर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर ऐसी छत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार नहीं मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे, प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदर वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए, जिधर पानी बहता है उधर करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि समय शिव जी को याद करो। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होगा।